इस न्यूज के प्रायोजक हैं अर्थ डायग्नोस्टिक मधुबन उदयपुर। लक्सदी में बुधवार रात को हुई चाकूबाजी की घटना के बाद मुस्लिम समाज के लोगों में नाराजगी देखी गई। समाज विशेष का आरोप है कि वे एमबी चिकित्सालय में अपना विरोध दर्ज करवा रहे थे, तभी पुलिस प्रशासन द्वारा उन पर लाठियां बरसाई गई। इसी के विरोध में शुक्रवार को अंजुमन कमेटी और मुस्लिम समाज द्वारा मुख्यमंत्री और जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। आपको बता दें कि उदयपुर शहर में बुधवार रात्रि को सूरजपुर थाना इलाके की गुलाबबाग के बाहर चेतन नाम के युवक ने शोएब नाम के युवक पर चाकू से हमला कर घायल कर दिया, जिसके विरोध में एमबी हॉस्पिटल के बाहर मुस्लिम समाज का मजमा लग गया। प्रशासनिक अधिकारियों से वार्ता चल ही रही थी, इसी बीच वहां मौजूद पुलिस बल ने आमजन पर लाठी चार्ज कर दिया, जिससे कई लोगों को गंभीर चोटें भी आई। आरोपी की अंजुमन पदाधिकारियों के मौजूद होते हुए भी उन पर लाठियां बरसाई गई। अंजुमन कमेटी व मुस्लिम समाज की ओर से ज्ञापन के जरिए प्रशासन के सामने सात मांगे रखी गई हैं, जिसमें हमलावर चेतन के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने, हमलावर के घर पर बुलडोजर चलाए जाने, घायल युवक के परिजनों को सरकारी नौकरी दिए जाने, घायल युवक को 10 लाख रुपए मुआवजा दिए जाने, लाठी चार्ज में घायल हुए युवकों को उचित मुआवजा दिए जाने, पुलिस द्वारा हिरासत में लिए गए लोगों को बिना किसी कार्रवाई के छोड़ा जाने, जिन पुलिस कर्मियों ने लाठी चार्ज किया उन पर उचित कार्रवाई कर लाइन हाजिर किए जाने जैसी मांगे शामिल रही। इसी के साथ 16 अगस्त को उदयपुर में बिगड़े माहौल में हुई तोड़फोड़ और आगजनी के आरोपियों की भी जल्द से जल्द गिरफ्तारी की मांग पुरजोर तरीके से रखी गई। मैं मुजीब सिद्दीकी, सदर अंजुमन तालीम इस्लाम। आज हम सभी अंजुमन कमेटी और उदयपुर शहर के मौजूद हजरात माननीय SP महोदय से मिलने आए थे, मुख्यमंत्री जी के नाम ज्ञापन देने के। कल जो शोएब नामक लड़के को, चेतन नामक लड़के ने जो चाकूबाजी करी थी, उसके विरोध स्वरूप हम आए थे। उसमें हमारी मांग थी कि चेतन को कड़ी से कड़ी सजा दिला जाए और उसके दो अन्य साथियों को डिटेन करके उनको भी सजा दिलाई जाए। उस पर SP साहब ने हमें आश्वस्त दिया कि उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे। उन्होंने 307 में मुकदमा दर्ज करके उस पर कार्रवाई शुरू कर दी है। दूसरी हमारी मांग थी कि जो कल लाठी चार्ज हुआ वो गलत हुआ। हमने SP साहब को कहा कि वहाँ लाठी चार्ज करने की जरूरत नहीं थी, ऐसा कोई कार्रवाई नहीं हुई, ना कोई पत्थरबाजी हुई, ना कुछ नहीं हुआ, तो उसको भी SP साहब ने डिटेन करा है। और हमारी मांग भी है कि जो भी पुलिसकर्मी अगर उसमें शामिल पाए जाते हैं जाँच की जाए, और जो भी पुलिसकर्मी उसमें शामिल हैं उन पर कार्रवाई की जाए। ये भी SP साहब ने हमारी बात मानी। और जो भी घटना घटी उसकी हम सब निंदा करते हैं और उदयपुर शहर के सभी निवासियों से अपील करते हैं कि शांति बनाए रखे, सौहार्द बनाए रखे। अपना उदयपुर शहर अपना है। और जो 15-16-8 को जो घटना घटी थी, जिसमें मस्जिदों पर पथराव किया गया था, दुकानें जलाई गई थी, गाड़ियां जलाई गई थी, जो 16-8 को SP साहब ने रिपोर्ट लिखी है, हमने भी रिपोर्ट कराई है। हमारी सबसे बड़ी मांग उसी की है कि उस पर जल्दी से जल्दी गिरफ्तारी की जाए, क्योंकि 1 महीने तक उस पर कोई भी गिरफ्तारी नहीं गई है। तो उन्होंने SP साहब ने हमें आश्वासन दिया कि जल्दी से जल्दी उसमें हमें गिरफ्तारी की जाएगी। उन्होंने ये भी आश्वासन दिया कि उसमें नामजद कर लिए गए हैं और उसकी जल्दी से जल्दी गिरफ्तारी की जाएगी। ये हमारी सबसे बड़ी मांग यही थी। रियाज हुसैन, सेक्रेटरी पल्टन मस्जिद। कल जो ये घटना सूरजपोल में घटी है, निश्चित रूप से ये एक बहुत ही उदयपुर शहर के लिए चिंता का विषय है। उदयपुर जो अमन और चैन की एक सिटी है, जो यहाँ गंगा जमनी तहजीब कायम है, इस पे बट्टा लगा है। और कल जब हमने हॉस्पिटल में इस बात को लेकर प्रशासन से बात की, तो निश्चित रूप से प्रशासन ने उस टाइम सहयोग किया, लेकिन कुछ समय बाद जिस तरह से वो लाठीचार्ज हुआ वो करने की आवश्यकता नहीं थी। कलेक्टर, हमने SP साहब को सारी हकीकत बताई है। दूसरा ये कि हम ये चाहते हैं कि शहर में इस तरह के जो भी तत्व हैं उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें, ताकि ये बदमाश बार बार अपना सर उठा के ना चल सकें। साथ ही जो पिछली जो घटना हुई थी उनमें भी हमने मांग की है कि जो नुकसान जिस तरह से हुआ था, लोगों को गाड़ियाँ जला दी गई थी, जिस तरह से दुकानें तोड़ दी गई थी, उनके मुआवजे को भी सरकार भुगते, और आने वाले समय में इस तरह की नापाक हरकत इस शहर में ना हो। हमने बात की और हम अपील करते हैं शहर से कि उदयपुर की गंगा जमुना तहजीब को आप कायम रखें। हम सब साथ हैं और साथ रहेंगे। शुक्रिया। बनाइए आशियाना हमारे साथ, जियो जिंदगी अपनों के साथ। राधे श्री डेवलपर्स लाया है श्री श्याम विहार आवासीय कन्वर्टेड प्लॉट, वो भी उदयपुर से मात्र 20 मिनट की दूरी पर। जी हाँ, विश्व के सबसे ऊंची पंचमुखी हनुमान जी की मूर्ति के सामने। 15 अगस्त और रक्षाबंधन के पावन पर्व पर प्लॉट लेने पर निश्चित उपहार पाएं। पहले आए पहले पाए। उदयपुर कुराबड़ मेगा हाईवे के पास शिशवी चौराहे एवं अरिंदा पाशनाथ मंदिर रोड पर आवासीय कन्वर्टेड प्लॉट मात्र 350 रुपए स्क्वायर फीट में उपलब्ध है। मुख्य विशेषताएं: कॉलोनी के अंदर 30 फीट ग्रेवल रोड आबादी के नजदीक शिशवी गांव के पास, सभी वर्गों के लिए प्लॉट कुराबड़ मेगा हाईवे पर, हरा भरा वातावरण, हाथों हाथ रजिस्ट्री,
कुछ ही प्लॉट शेष। विशेष नोट, एक मुश्त प्लॉट की राशि देने पर रजिस्ट्री का खर्चा बिल्कुल मुफ्त, तो आज ही संपर्क करें। नियम और शर्तें लागू, पहले आए पहले पाए। राधेश्री डेवलपर्स, कॉल 9414732 1215।